अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देसी हेल्थ टीवी में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मेरे भाइयों, आज आपके सामने एक बहुत अमेजिंग चीज़ पेश करने वाला हूँ। अपने हाथों, अपने पाँव और अपने चेहरे को आप कैसे सिर्फ और सिर्फ एक दिन में गोरा कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ चार चीज़ें हैं और आपके हाथों का रंग, आपके पाँव का और आपके चेहरे का रंग एक जैसा हो जाएगा। आप पूरी बॉडी को भी उससे गोरा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से ऐड हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, ठीक है, बेसन हम लेंगे। और दूसरे नंबर पर हम लेंगे दूध की बलाई, ठीक है, यानी कि खालिस दूध जो होगा, भैंस का हो या गाय का, उसकी बलाई आपने लेनी है, ठीक है। और थर्ड में हमने लेना है एलोवेरा का जेल। एलोवेरा का जेल आपको बाज़ार से मिल जाएगा, आप नेचुरली भी ले सकते हैं, किसी भी नर्सरी से आप बाय कर सकते हैं। और लास्ट में हम लेंगे इसमें थोड़ा सा ये कैस्टर ऑयल, इसमें हम ऐड करेंगे ताकि हमारी जिल्द खुश्क ना पड़े। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले एक बाउल लीजिए और एक स्पून लीजिए, उसमें आप तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच दूध की बलाही, ठीक है, वो ऐड करें। ऐड करके फिर आपने दूसरे नंबर पर ऐड करना है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, तकरीबन एक चम्मच, बस ये ऐड करके। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये एलोवेरा का जेल, तकरीबन एक से डेढ़ टीस्पून आप इसमें पुट कर दें। और फिर आपने इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा कैस्टर ऑयल आपने इसमें ऐड कर देना है ताकि आपकी जिल्द जो है वो एकदम से खुश्क ना पड़ जाए कहीं पर। इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो अब आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा है, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे। अगर ये गाढ़ा आपको महसूस हो तो आपने इसमें मज़ीद जो है थोड़ा सा एलोवेरा का जेल इसमें ऐड कर देना है ताकि ये थोड़ा सा पेस्ट बन जाए। मेरे भाइयों, अब ये देखिए तैयार हो चुका है ये पेस्ट। अब इस पेस्ट को हम अप्लाई करेंगे, अपने चेहरे पर अप्लाई करें या बाजू पर अप्लाई करें, हाथ पर अप्लाई करें या फिर किसी भी जिस्म के पार्ट पर इसको अप्लाई करके आप फायदा उठा सकते हैं। आप देखिए, मैं अब इसको अपने हाथों पर इस तरह से अप्लाई करूंगा। ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसको अपने हाथों पर लगा दिया है बहुत नफासत के साथ। अब इसी तरह आप अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, अपने पाँव पर भी लगा सकते हैं और अपने बाजुओं पर, नेक पर भी लगा सकते हैं। अभी जब सूखेगा फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं ये सूख गया है, ये आप देखें कि मेरी फिंगर्स पर ये सख्त हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जब हो जाए फिर इसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इसको धोकर, ठीक है, कि आपके आफ्टर बिफोर क्या फ़र्क पड़ता है। जी तो मेरे भाइयों, फ़र्क आपके सामने है, देख सकते हैं आप कि ये कितना वाइट लग रहा है और ये देखिए उससे कितना डल लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए वाज़ह फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा कि आफ्टर बिफोर कितना फ़र्क पड़ा है मुझे इस क्रीम को, इस मैजिकल जो फेस मास्क था इसको इस्तेमाल कर लेने के बाद। ये देखिए और ये देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो इसी तरह आप भी अपने हाथों और पाँव को गोरा कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दिन में। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। और मेरी बहन कह रही थी कि आपके वाइट हैं ऑलरेडी हाथ, तो आपको फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। देखिए, मानता हूँ कि वाइट है हाथ, लेकिन अभी देखिए आपकी आंखों के सामने है ना, मैंने अगर कोई डस्ट इस पर लगाई होती, झूठ मूठ का कोई किया होता तो साफ पता लग जाता। ये देखिए कुछ भी नहीं है और साफ पता लग रहा है कि कौन सा वाइट है और कौन सा डल है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने हाथों और पाँव को, फेस को हमेशा के लिए गोरा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।